स्वागत है दोस्तों आपका। बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकल के बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। बेल्ट्रॉन का वैकेंसी दिया गया है जिसमें कौन कौन से पोस्ट है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है वो हम सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम चले आएंगे फर्स्ट जॉब सर्च पे, ठीक है। इस पर जॉब पर सर्च मारने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे करेंगे, यहाँ पर बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2023 इस पे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखे हैं, वहाँ से आप ओपन होके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरा पहले से ही ओपन कर रखा है, या नीचे देख सकते हैं यहाँ पर इसके क्या क्या योग्यता है, हम सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को कृपया स्किप मत करें अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे क्या है। और चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट में बात करते हैं इसका फॉर्म जो है से अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 18/9/2023 से, यानी 18 सितंबर से लेके 6 तारीख 10वां महीना 2023 तक ये फॉर्म भराएगा, ठीक है दोस्तों। इसका टोटल पोस्ट दिया गया है 31 पोस्ट है, उसके बाद क्या क्या पोस्ट है वो हम डिटेल बता दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर है चीफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। चीफ अकाउंट ऑफिसर इसका एज जो है दिया गया है दोस्तों 57 मैक्सिमम, मिनिमम एज सॉरी दोस्तों मिनिमम दोस्तों इसका 57 ईयर्स। उसके बाद इसे क्वालिफिकेशन दिया गया है CA ICWA MBA फाइनेंस, जो चीफ अकाउंट ऑफिसर बनेंगे उसके लिए हुआ, ठीक है। और मैनेजर PMU इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग MCA इक्वलमेंट, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर जो है हमारा इसका खोजा गया है क्वालिफिकेशन CA ICWA MBA फाइनेंस और MCOM, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे हम असिस्टेंस मैनेजर, इसका MBA HR खोजा गया है, ठीक है दोस्तों। नीचे आ जाएंगे हम देखेंगे इसका आपका, या नीचे चले आएंगे देखिए असिस्टेंस मैनेजर लेगल LLB फॉर AM लेगल। उसके बाद नीचे चले आएंगे प्रोग्रामो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव BE BTech BSc इंजीनियरिंग MCA इक्वलमेंट, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ इसका जिसका एज जो दिया गया है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, इसका ग्रेजुएट विथ एनी डिसिप्लिन, ठीक है। ये जो है से आपका कौन सा कोर्स आप कर रखे हैं उसके लिए इच्छुक हैं वही लोग स्टूडेंट आवेदन करें, ठीक है दोस्तों। अकाउंट असिस्टेंस में खोजा जा रहा है CA इंटर, ठीक है, ICAWA इंटर और MBA फाइनेंस और MCOM और BCOM, ये सब स्टूडेंट जो किए होंगे वही अकाउंट असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसका एज जो है रिक्वायरमेंट 35 है, ठीक है दोस्तों। स्टोर कीपर है ग्रेजुएट विथ एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ये इतना मेरा बता दिए, ठीक है। उसके बाद नीचे हम मेंशन करते हैं आपको, तब तक ऊपर मिनिमम एज था ये मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों जो चर्चा किए हुए हैं बता दे रहे हैं आपको, पहले देखिए यहाँ पर देखेंगे बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2023 डिटेल्स। चीफ अकाउंट ऑफिसर का एक पोस्ट है, इसमें UR अनरिजर्वेड वाले का है, ठीक है। इसकी सैलरी 60,000 से लेकर 70,000 तक होगी। और मैनेजर PMU की EWS जो जनरल कैटेगरी वाले के जो आते हैं उनके लिए EWS, ठीक है, अनरिजर्वेड 60-70,000 सैलरी होगी। और अकाउंट ऑफिसर की जो UBC कैटेगरी में आते हैं आपको बड़ाई बहुत सारे आते हैं, बड़ाई मुस्लिम के कुछ भाग आएंगे, ये सब कैटेगरी आएंगे अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसमें 35,000 से 40,000 पेमेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे आ जाएंगे हम देख सकते हैं असिस्टेंस मैनेजर मैन पावर, ये UR अनरिजर्वेड वन वाले के लिए है, ठीक है। तो इसका पेमेंट है 30,000 से 40,000। उसके बाद प्रोग्रामर देख सकते हैं, प्रोग्रामर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इसका 14 पोस्ट दिया गया है, तो अनरिजर्वेड का 4 सीट दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अनरिजर्वेड में आ जाएंगे राजपूत उच्च जाति के लोग, ठीक है इसमें। उसके बाद EWS में 84 जो भी होंगे इसमें EWS यानी EWS इसी में आ जाएंगे। उसके बाद UR यानी अनरिजर्वेड फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 सीट है इसमें, ठीक है। प्रोग्राम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव और EBC कैटेगरी के लिए है 2 सीट और EBC फीमेल के लिए 1 सीट है और SC के लिए 1 सीट है, SC फीमेल के लिए फिर 1 सीट है दोस्तों, और BC 1 कुशवाहा कुर्मी इस सब के लिए 1 सीट है और BC कुशवाहा कुर्मी लड़की के लिए 1 सीट है, जिसका 30,000 से 40,000 पेमेंट होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नीचे चले आएंगे ऑफिस असिस्टेंट, इसका देख सकते हैं इसमें 7 पोस्ट दिया गया है, तो आपका UR
अनरिजर्वेड का एक पोस्ट दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का एक पोस्ट दिया गया है। जो यूआर से अप्लाई करना चाहता है यानी अनरिजर्वेड से यानी जनरल से अप्लाई करेंगे उनका एक पोस्ट होगा और ईडब्ल्यूएस का भी एक पोस्ट होगा। ठीक है, ये दोनों जनरल वाले कास्ट के लिए ही हुआ और यूआर फीमेल के लिए एक, ठीक है, ईडब्ल्यूएस फिर एक हो जाएगा दोस्तों, और एससी के लिए एक, एससी फीमेल के लिए फिर एक देख सकते हैं यहाँ पर, और ईबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सीट होगा। इसका पेमेंट 20 से 25 हज़ार रुपये होंगे। अकाउंट असिस्टेंस का जिसका दो पोस्ट दिया गया है दोस्तों केवल, तो ईबीसी कैटेगोरी 1 के लिए और एससी 1 के लिए, जिसका 15,000 से 20,000 तनख्वाह होगी। स्टोर कीपर की दोस्तों होगी जो दो सीट दिया गया है दोस्तों, जिसमें UR1 और EBC1 जो 15,000 से 20,000 होगी तनख्वाह। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक जो है एक्टिवेट होगी 18/9/2023 से एक्टिवेट होगी और लास्ट डेट हमने बताया ये दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर कैसे कैसे फॉर्म आवेदन करना है। फॉर्म जिस टाइम हम आएगा लिंक अगर एक्टिवेट होती है 18 तारीख को, तो आपको 18 तारीख से एक वीडियो सेपरेट वीडियो लेके आएंगे उसमें दोस्तों आप कैसे कैसे अप्लाई करना है वो आप खुद देख सकते हैं और उसको सही सही फॉर्म फिलअप करें जिससे आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और समथिंग पैसा की बात करें, इसमें कितना फॉर्म चलाना लगेगा दोस्तों, आपका लगभग इसका पेमेंट पैसा कटेगा 1,000 रुपये कुछ इसी तरह होना चाहिए और इसका लास्ट डेट 6/10/2023 है। ठीक है दोस्तों, इसका हम ऑफिशियल साइट दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसका दिया गया है, यहाँ से क्लियर है बिल्ट्रॉन देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कोऑपरेट लिमिटेड, ठीक है, कोऑपरेशन लिमिटेड, क्लियर है। यहाँ पर सब दिया हुआ वही चीज जो हमने बताया है दोस्तों, यही चीज इधर दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको पूरा सही कर दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इच्छुक हैं स्टूडेंट वो आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसका ये हो गया, मेरा बस यही जानकारी था दोस्तों। अगर चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बहुत जल्द डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जॉब आने वाला है दोस्तों, जो बहुत जल्द आएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।